आपका दोस्त रजिस्टर। बहुत दिनों से हमने मैंने सोच के रखा था कि चूल को डोनेट करना है, तो डोनेट करने के बारे में सोचा था इसे, बट आज हमने डिसाइड किया है जाके हमको डोनेट करना है। डोनेट करना है बहुत ही आसान काम हो नहीं होता है, इसके लिए आपको कुछ दो तीन चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा। आपको कहाँ पे और किस प्रकार से आपको डोनेट करना है उसे मैं आज सिंपल भाषा में आप लोगों को बताऊँगा और दिखाऊँगा, करके दिखाने वाला हूँ। तो इस वीडियो को जारी रखिए, जारी रखेंगे तो आप लोगों को पता चलेगा। और मैंने इतना दिन से अपना चूल लंबा किया है, इस चूल के लिए आप मेरे को लाइक कर सकते हैं यार, बहुत मेहनत लगता है इतना लंबा चूल करने में। यार गर्मी लग रहा है, कोई नहीं, पीछे तरफ देख सकते हैं ये मेरा रूम है, बहुत ही गंदा है, छोटा सा रूम है। अब यहाँ पे 1 BHK रूम है, आप हम यहाँ पे रहते हैं। इससे पहले हम दिखा रहे इसी रूम में वीडियो बनाया हूँ। स्टार्ट करते हैं वीडियो। A few moments later. तो जो लोग मेरे वीडियो को अभी देख रहे हैं प्लीज लाइक कर दे, और जो लोग नए हैं सब्सक्राइब कर दे। मैं इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को बहुत कुछ बताने वाला हूं, दिखाने वाला हूं। A few minutes later. दोस्तों अभी हम अपने चूल काटने वाले, तो हम एक भैया के दुकान में आए हैं, इसका नाम है राहुल भैया। तो चूल को हम डोनेट करने वाले हैं, डोनेट करने से पहले तो काटना पड़ेगा, तो आज काटेंगे उसके बाद में कल डोनेट करेंगे। तो डोनेट करने का जो प्रोसीजर है उसको हम कल दिखाएंगे, कल आप लोगों को दिखाएंगे किस प्रकार से करने वाले हैं। तो अभी फिलहाल हम चूल काटते हैं।
few inches later. Hello dosto, finally maine apna chule isko kata liya hai to acha lag raha hai. Katane ke baad mere halka feel ho raha hai to साथ साथ में एक दो तीन चीज़ आप लोग के साथ शेयर करने वाला हूँ आज. तो इस वीडियो को कंटिन्यू करिए, स्किप ना करिए, ठीक है. और जो लोग नए हैं उनके लिए मैं विशेष करके बोलना चाहता हूँ, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि मैं इसी प्रकार के फ्यूचर में वीडियो डालूँ तो आप वीडियो को देख पाएँ. कटाया वहाँ से, कटाने के बाद में जो अपना चूल था उस बाकी जो बचा हुआ चूल है उसको हमको क्या करना है, डोनेट करना है. तो डोनेट करने का जो प्रोसीजर है वो लाइक उसको हम दिखाएंगे आज शाम. किसके पास डोनेट करना है, कई सैलून से कर, वही सैलून से कटा रहे हैं और उसने अब नहीं बोले हैं कि आप डोनेट करेंगे तो वही अपने इच्छा से वो काटेंगे. मतलब जिस उनको जिस प्रकार से लगता है ईजी लगता है उस प्रकार से काट लेंगे तो बाद में आपको दिक्कत हो जाएगा. उसको कैसे आप डोनेट कर सकते हैं, नहीं कर सकते, उसके लिए आपको उनको बोलना पड़ेगा, गाइड उन्हें बताना पड़ेगा कि आप डोनेट करने वाले हैं. तो डोनेट करने के लिए आप जब बोलेंगे बताएंगे तो वे भी समझ जाएंगे कि किस प्रकार से उन्हें चूल काटना है, ठीक है. तो ये दो तीन चीज़ को क्या चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है और मिनिमम 10-11-12 वही इंच के ऊपर जो होता है इसके ऊपर आप डोनेट कर सकते हैं. छोटा चूल हुए लेते भी नहीं हम आज क्या करेंगे, कुछ करना नहीं है. उस जो चूल है उसको पैक करके दिखा देते हैं. अभी भी देखना चाहते हैं उसे, देख सकते हैं बहुत ही लंबा चूल है, करीबन 12 इंच तो होगा ही, 12 इंच से अधिक होगा, ठीक है. तो माय गॉड 12 इंच से तो अधिक ही होगा. तो इसे हमें क्या करना है, डोनेट करना है. डोनेट के लिए हमें जाके डोनेट नहीं करना, हम पार्सल करेंगे इसको. पार्सल जिस प्रकार से किया जाता है उस प्रकार से करना है. पॉप विथ कैंसर एक ऑर्गेनाइजेशन है, वहाँ पे हमें इसको भेजना है. तो भेजने का जो प्रोसीजर है उसे मैं दिखाऊंगा. तो इस वीडियो को कंटिन्यू करिए, ठीक है.